दस्तूर खिदमत मंशूर खिदमत, दस्तूर खिदमत मंशूर खिदमत। ये जो दे मुसलसल ये दस्तूर खिदमत, ये सबसे निराला है मंशूर खिदमत। ये जो दे मुसलसल ये दस्तूर खिदमत, ये सबसे निराला दरख्शां सितारे हैं खिदमत के पैकर के अज़मा। कुमल खिदमत फाउंडेशन कुम सर्विसेज दी चुकुम प्रोवाइड कई अगर रियली अप्रिशिएट कोमा। और ये आठवां जो सेंटर है ये वो बच्चे हैं जो कि इस वक्त यानी तालीम से महरूम हैं। अभी तक मुझे नहीं याद पड़ता कि जुगी के बच्चों के लिए या इस तरह के लोगों के लिए किसी ने कोई काम किया हो। तो वंस अगेन इट्स अ वेरी गुड स्टेप। सो अगेन बहुत शुक्रिया आप सब मेहमानों का जो यहाँ पे आए हैं सिवा यू नो और डेफिनेटली असदमत फाउंडेशन का भी तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करती हूँ, उनको खराज तहसीन पेश करती हूँ। अच्छा जब हम बैठ जाते हैं हमारे सामने क्या चीज पड़ी होती है? टेबल पड़ी होती है। अगर मैं भूल गया, अगर भूल जाए तो फिर क्या पड़ी है? ये आफत ज़दा बेसहारों की खिदमत, ये खलके खुदा की ये प्यारों की खिदमत। ये जो दे मुसलसल ये दस्तूर खिदमत, ये सबसे निराला है मंशूर खिदमत। ये जो दे मुसलसल ये दस्तूर खिदमत, ये सबसे आज यहाँ अलखिदमत फाउंडेशन की तरफ से जो जोगी के बच्चे हैं इस सेंटर का हमने इंतज़ाम किया बल्कि इफ्तिताह हुआ है अलखिदमत फाउंडेशन की तरफ से जोगी बच्चों के लिए इस सेंटर में। यहाँ पर जो खेमों में बच्चे लोग रहते हैं और ये बच्चे रहते हैं, इनके ख़ानदान रहते हैं, इनके लिए इनकी तालीम के लिए इनकी तरबियत के लिए अलखिदमत ने ये यूनिक प्रोजेक्ट शुरू किया है। स्ट्रीट चिल्ड्रन पहले से हमारा प्रोजेक्ट था लेकिन ये बच्चे जो एक मुश्किल यहाँ पर ज़िंदगी गुजार रहे हैं, मुश्किलात का शिकार है, इनके खुराक की ज़रूरत है, इनके लिबास की, इनकी अच्छी तालीम की, तरबियत की, इनके खुद खेमों में रिहाइश पजीर है, तो ये बड़े पैमाने पर मुश्किलात का शिकार है। तो इनके लिए आज अलखिदमत फाउंडेशन ने इस सेंटर का आगाज़ कर दिया है। इंशाल्लाह मुस्तकबिल में भी इन बच्चों को माशरे का एक बाशहूर शहरी और अच्छा तालिबे इल्म बनाने की कोशिश जारी रहेगी। और हम सोसाइटी से यही अपील करते हैं कि खैर के इस काम में, खैर के इस प्रोजेक्ट में, काज में वो अलखिदमत फाउंडेशन का साथ दे। तमाकों में खिदमत है, फाकों में खिदमत।